हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव वीडियो के ऊपर। अगर आप पॉडकास्ट सुने तो पॉडकास्ट के ऊपर भी आप सभी का स्वागत है डेफिनेटली। अगर आप इस वाले पॉडकास्ट के ऊपर हो या फिर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हो तो आप रियल एस्टेट में आना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट में हो। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन फील्ड साइट के बारे में। ग्रीन फील्ड साइट क्या होती है? तो ऐसी जगह जो अनडेवलप है, मतलब कि वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो शहर से थोड़ी बाहर है या फिर शहर से कुछ घंटों दूर है क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो वो वाली जगह को किस तरीके से लूटे। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitluxbamania.com/gift। तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। यूटिलाइज किया जा सकता है तो वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी सी कंपनी का वेयरहाउस क्रिएट किया जा सकता है, वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है कि वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में कोई इन्वेस्टर आए और खुद की इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करे। वहाँ पे कुछ डाटा सेंटर क्रिएट किया जाए या फिर कमर्शियल ऐसा बिल्डिंग क्रिएट किया जाए जो शहर के बाहर है बट वो अनडेवलप है, बट उसको डेवलप किया जा सकता है। तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड साइट, जहाँ पे कुछ अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है बट उसको डेवलप किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड साइट। तो इस तरीके से इजी एंड सिंपल वे में रियल एस्टेट को सीखने के लिए आप इस वाले पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब में भी इस वाले वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें कुछ हम नया सा सीखेंगे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।